हाई गाइज एम बैक विद अनदर लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग वर्ड्स जिनको आपको अपनी वोकेब्लरी में फटाफट से एड कर लेना है इन वर्ड्स को हम समझेंगे ना ही रटाफिकेशन करने वाले हैं वी विल अंडरस्टैंड कि कौन से प्रिफिक्स इनमें यूज़ करे गए हैं कौन से सफिक्स यूज़ करे गए हैं किन रूट वर्ड से ये वर्ड्स बने हैं सो दैट यू विल अंडरस्टैंड दीज वर्ड ना कि आप इनका करोगे रटाफिकेशन तो जब भी आप इन वर्ड्स को यूज करोगे यू कैन प्ले अराउंड विद दीज वर्ड्स एंड ऑल्सो वॉच द वीडियो टिल एंड क्योंकि लास्ट में आपको मिलने वाली है एक बोनस शॉर्ट स्टोरी यूजिंग दीज वर्ड्स ताकि बहुत ही फन वे में ये सारे वर्ड्स आपके दिमाग में और अच्छे से रजिस्टर हो जाए तो इस वीडियो में हम कौन कौन से रूट वर्ड प्रिफिक्स अफिक्स यूज करने वाले लेटस हैव अ लुक ग्रेक्स या फिर ग्रिजिस इसका मतलब होता है हर्ड या फिर फ्लॉक ग्रुप और समूह को हम बोलते हैं हर्ड या फिर फ्लॉक ई या फिर ई एक्स आउट बाहर से प्रिफिक्स है इसका मतलब है अपार्ट दूर दूर एड या फिर एज टू या फिर टू वर्ड यानी कि साथ में तो लेट अस वेलकम बैक टू एकेडमी अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना सपोर्ट करिए मुझे ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोस इंपॉर्टेंट वीडियोस बनाते रहूं ऑल्सो यू कैन कंटिन्यू इम्प्रूविंग योर इंग्लिश हर दिन बिना एक्चुअली पुटिंग एनी हार्ड वर्क चलिए स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट वर्ड इज एग्रीजियस प्रिफिक्स यहाँ पे ई है यानी कि आउट ग्रेग से यहाँ पे फ्लॉक या हर्ड जो आपका जो ग्रुप है वो यूएस यहाँ पे कॉमन एडजेक्टिव सफिक्स है कोई भी बुरा काम करने पे कोई भी बुरी हैबिट डेवलप करने पे या चोरी स्टीलिंग क्राइम करने पे ग्रुप जो हमारा हर्ड है उससे हमको आउट कर दिया जाएगा इसीलिए इस वर्ड का मीनिंग है आउटस्टैंडिंगली बैड शॉकिंग फॉर एग्जाम्पल डोंट नो हाउ निखिल गॉट दिस एग्रीजियस हैबिट ऑफ स्टीलिंग मनी पता नहीं निखिल को कैसे ये बुरी अदा आदत एग्रीजियस को हम बोलते हैं बेहद खराब तो बेहद खराब हैबिट लग गई है पैसे चुराने की ये adjective form है इसको अगर हमको नाउन में कन्वर्ट करना noun बनाना है इस वर्ड का तो हम आगे ऐड कर देंगे suffix -ness. तो नेक्स्ट वर्ड इज gregarious gregarious अगेन बना है ग्रेग से तो जो व्यक्ति ओ यूएस आप देखेंगे इट इज कॉमन एडजेक्टिव फॉर्म तो जो झुंड में रहने वाला हो लाइकली टू बी विद अदर्स जो लोगों के साथ रहना पसंद करता है उसको ग्रिगेरियस बोलते हैं तो फॉर एग्जाम्पल मस्ट बी बिकॉज ऑफ हिज न्यू फ्रेंड्स ही इज ही इज अ ग्रिगेरियस पर्सन रीसेंटली मेड सम न्यू फ्रेंड्स तो निखिल को जो बुरी आदत जो एग्रीजियस आदत लगी है वो किस लिए हो सकती है मस्ट बी बिकॉज ऑफ हिज न्यू फ्रेंड्स ही इज अ ग्रिगेरियस पर्सन निखिल एक ग्रिगेरियस पर्सन है जो कि लोगों के साथ रहना पसंद करता है रिसेंटली उसने जो नए फ्रेंड्स बनाए हैं उनकी वजह से हो सकता है उसको वो एग्रीजियस हैबिट लग गई हो तो इसका जो नाउन फॉर्म होगा वो होगा एग्रीजियसनेस नेक्स्ट वर्स वर्ड इज कॉन्ग्रीगेट कॉन्ग्रीगेट यहाँ पे प्रफिक्स यहाँ पे हमारा कॉन कॉन का मतलब होता है अगेन साथ या फिर टुगेदर ग्रिगेट अगेन फ्लॉक या फिर हर्ड जो झुंड है यहाँ पे जो सफिक्स हमारा जी ए टी ई ये पर्टिकुलर वर्ड जो है हमारा वर्ब है ठीक है ये वर्ब बनाने के लिए भी यूज किया जाता है सफिक्स लेकिन जब आप देखेंगे इस वर्ड को ज्यादा कॉमनली स्कैंडल्स जो होते हैं उनको शो करने के लिए इस सफिक्स को ज्यादातर यूज किया जाता है कौन से सफिक्स को गेट को जी ए टी ई सफिक्स को स्कैंडल्स को बताने के लिए यूज करता है लेकिन यहाँ पे इट दिस कांग्रीगेट इज अ वर्ब ठीक है तो कॉन्ग्रीगेट का मतलब होता है कि ग्रुप के साथ में रहना टू कम टुगेदर इन अ ग्रुप और क्राउड फॉर एग्जाम्पल शंकर गॉट होम वेरी लेट टू आज वो बहुत लेट आया शंकर ही हैड टू ही हैड टू क्रॉस कॉन्ग्रीगेशन ऑन द रोड उसको रोड में जो कांग्रीगेशन था लोगों का झुंड था समूह था उसको क्रॉस करना पड़ा तो इसका जो नाउन फॉर्म होगा वो कैसे बनेगा इसके एंड में आई ओ एन को एड कर देंगे तो देन इट विल बिकम अ नाउन फॉर्म ऑफ कॉन्ग्रीगेट सिमिलरली सेग्रीगेट यहाँ पे जो हमारा सफिक्स है ये गेट ही है जैसे कि मैंने आपको बताया जी ए टी जो सफिक्स है नॉर्मली स्कैंडल्स को दिखाने के लिए यूज किया जा स्कैंडल्स के जो वर्ड है उनको बनाने के लिए यूज़ किया जाता है लेकिन हेयर इट इज़ फॉर्मिंग द वर्ब सेग्री यहाँ पे सेग का मत से का मतलब होता है अपार्ट ग्रुप से अपार्ट ठीक है तो टू सेपरेट वन ग्रुप ऑफ पीपल या फिर थिंग्स फ्रॉम रेस्ट ग्रुप के से दूर कर देना ठीक है एग्रीजियस था निकाल देना लेकिन सेग्रीगेट इज नॉट अ नेगेटिव वर्ड वो सेग्रीगेट करना उसको सेपरेट करना है ठीक है शी इमीडिएटली स्टार्टेड टू सेपरेट देम एज पर डिनोमिनेशन टू स्टोर देम अकॉर्डिंगली उसने इमीडिएटली उसको सेग्रीगेट uh, करना अलग करना शुरू कर दिया एज पर डिनोमिनेशन टू स्टोर देम अकॉर्डिंगली तो कोई डिनोमिनेशनस होंगे जैसे कि नोट्स या फिर करेंसी होगी उसके डिनमिनेशन के हिसाब से उसको सेग्रीगेट कर दिया अलग अलग करना शुरू कर दिया ताकि उनको अकॉर्डिंगली स्टोर किया जा सके इसका जो नाउन फॉर्म होगा वो होगा सेग्रीगेशन बाय एडिंग आईओ एन एट द एंड यू कैन मेक द नाउन फॉर्म नेक्स्ट वर्ड इज एग्रीगेट एग्रीगेट आप देखेंगे ए डी या फिर एज यानी साथ में तो ग्रुप के साथ में जो है ए टी अगेन इट्स अ वर्ब तो एग्रीगेट करना टू फॉर्म फॉर्म्ड और कैलकुलेटेड बाय कंबाइनिंग सेवरल सेपरेट एलिमेंट्स यानी कि टोटल कर लेना फॉर एग्जांपल फाइनली व्हेन शी से

तो उस वो देख के बहुत खुश हो गई क्योंकि उसकी जो मार्केट वैल्यू थी सी द एक्चुअल वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू कैन बी डिफरेंट तो जैसे आप शेयर्स सिक्योरिटीज़ में भी देखेंगे कि शेयर का फेस वैल्यू टेन रुपीज़ होता है लेकिन मार्केट में वो हो सकता है ट्रेड कर रहा होउजेंड के ऊपर तो दिस इज एक्चुअल वैल्यू एंड वो उसका मार्केट वैल्यू है तो मार्केट वैल्यू जो उन कॉइन्स की थी सेग्रीगेट करने एग्रीगेट करने के बाद में मार्केट वैल्यू ज्यादा थी और एक्चुअल वैल्यू कम थी तो इसका जो नाउन फॉर्म है उसको बोले उसको हम कैसे बनाएंगे बाय एडिंग द सफिक्स आईवेन तो एग्रीगेशन इज द नाउन फॉर्म नाउ हेयर कम्स द शॉर्ट स्टोरी ये कंटिन्यूएशन है हमारी जो लास्ट स्टोरी थी उसी का कंटिन्यूएशन है तो डोंट नो हाउ निखिल गॉट दिस एग्रीजियस हैबिट ऑफ स्टीलिंग मनी कैसे कैसे जो निखिल है उसको ये एग्रीजियस एग्रीजियस का मतलब क्या है बेहद खराब हैबिट लग गई है ऑफ स्टीलिंग मनी मस्ट मस्ट बी बिकॉज ऑफ हिज न्यू फ्रेंड्स उसने मे बी बिकॉज उसके जो नए फ्रेंड्स हैं उनकी वजह से ही इज अ ग्रिगेरियस पर्सन वो झुंड में रहने वाला लोगों के साथ रहने वाला इंसान है तो जो नए दोस्त उसने बनाए हैं हो सकता है उनकी वजह से उसको ये एग्रीजियस हैबिट लग गई हो पैसे चुराने की रिसेंटली मेड सम न्यू फ्रेंड उन नए दोस्तों की वजह से शंकर जो कि एक बैंकर है लास्ट वीडियो लास्ट हमने शॉर्ट स्टोरी में देखा था तो शंकर जो है वो घर आया है वेरी लेट टू डे ही हैड टू कम कम क्रॉस ही हैड टू ही हैड टू क्रॉस congregation कांग्रीगेशन क्या समूह ठीक है लोगों का झुंड तो कॉन्ग्रीगेशन एकत्र हो गए थे बहुत सारे लोग तो उस कॉन्ग्रीगेशन को रोड पे उसको क्रॉस करना था इसलिए वो आज लेट आया समवन हैड मेट विद विदिफिक एक्सीडेंट तो कोई रास्ते में हॉरिबल कोई एक्सीडेंट हो गया था इसीलिए वहां पे बहुत भीड़ लग गई थी ही गॉट हिज डॉटर सम ओल्ड कॉइन्स वो अपनी डॉटर के लिए कुछ ओल्ड कॉइन्स ले गए लेके आया शी कलेक्ट्स देम क्योंकि वो बैंकर है तो उसके हो सकता है उसको बैंक में कुछ ओल्ड कॉइन्स मिल गए हों उसने अपनी डॉटर को लाके वो दिए शी इमीडिएटली स्टार्टेड टू सेग्रीगेट दैम एज पर डिनोमिनेशन टू स्टोर दैम अकॉर्डिंगली तो इमिडिएटली उसने उनको सेपरेट करना अलग अलग एक का अलग दो का अलग पाँच का अलग ऐसे अलग अलग करना चालू कर दिया ताकि उनको अकॉर्डिंगली वो स्टोर कर पाए अकॉर्डिंगली उसने उसको सेग्रीगेट करना चालू कर दिया Finally, when she aggregated, finally जब उसने उनको add किया, total किया, उसकी जो value थी coins के उसके जो coins की value थी, वो बहुत खुश होगी देखिए कि उसकी जो actual coin की value है, वो market price से काफी ज़्यादा है। She immediately started feeling rich, उसको immediately अमीर feel होने लग गया। So that's it, guys. अभी जो प्रीवियस हमने इससे प्रीवियस जो वीडियो देखी थी ये स्टोरी उसकी कंटिन्यूएशन में है आप चाहें तो इन दोनों को सेपरेट सेपरेट सेग्रीगेट करके भी याद कर सकते हैं या फिर एग्रीगेट करके भी साथ में याद कर सकते हैं तो ठीक है तो बहुत इजीली आपको ये स्टोरीज याद हो जाएंगी तो वर्ड्स भी आपको काफ़ी ईजिली याद हो जाएंगे एंड आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक क्विक रिविजन ज़रूर करें इन वर्ड्स का यहाँ पे वर्ड्स हैं इनके मीनिंग लिखिए एग्जाम्पल सेंटेंस आप खुद से बनाइए सो दैट आपको आ, ये किस तरीके से फॉर्म करना चाहिए सेंटेंस उसकी प्रैक्टिस हो जाए विच इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट एंड रूट वर्ड्स के जो मीनिंग है वो भी आप डेफिनेटली यहाँ पे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए सो दैट सेटकाइस अगर वीडियो आपको अच्छा लगा और किसी भी तरीके से हेल्पफुल था आपकी कोई भी नॉलेज में इंप्रूवमेंट हुई है तो डेफिनेटली आप भी मेरे लिए हेल्पफुल हो सकते हैं जस्ट बाय सब्सक्राइबिंग द चैनल ऑल्सो अपने दोस्तों के साथ शेयर करके चलिए वापस से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया कुछ एक्साइटिंग एंड कुछ इंफॉर्मेटिव सीखने के लिए टिल देन टेक केयर योर सेल्फ एंड बाय